हेलो माय लवली बेकर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी आप लोगों के साथ और एक नए केक की डिज़ाइन शेयर करने के लिए आई हूँ। तो आज मैं मेरा जो वीडियो ये छत से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं छत पे ही थी। सुबह से बहुत ठंड लग रही थी तो इसलिए मैंने छत पे आई थी। छत पे थोड़ा धूप निकल गई थी तो इसलिए मैंने छत पे आई थी, और सोचा थोड़ी देर बाद तो वीडियो बनाना ही है, तो आज का इंट्रो मैं छत से देते हूँ। तो चलिए पूरे वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दिखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को कुछ मेरे से जानना है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और बहुत जल्दी मेरा 1K कंप्लीट होने वाला है। अगर चाहो तो आप लोगों के प्यार से आज का वीडियो से मेरा 1K कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके मेरा जल्दी से जल्दी 1K कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज भी आप लोगों के साथ ब्लैक फॉरेस्ट की एक नया केक के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। और एक केक की ऑर्डर कल रात पे आई थी, उसने बोला कि अच्छा टेस्ट वाला एक चॉकलेट केक बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि ब्लैक फॉरेस्ट केक बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ब्लैक फॉरेस्ट केक दिखने एंड खाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला टेस्ट। तो इसलिए मैंने एक चॉकलेट स्पॉन्ज बना ली थी, और अब मैं उसके ऊपर से बटर पेपर को छुड़ा लिया। और मैं कभी भी बटर पेपर यूज़ नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल जो घर का पेपर होता है वही कट के मैं लगा देती हूँ। उसके ऊपर ऑयल दे के फिर मैं उसी से जो स्पॉन्ज के बेटर होता है वो डाल देती हूँ, फिर बेक कर लेती हूँ। मैं आज तक कभी भी, इतने दिन केक बनाना हो गया मेरा, कभी भी मैंने बटर पेपर नहीं यूज़ किया हूँ, तो बस नॉर्मल पेपर से ही काम चला लेती हूँ। तो अब केक के ऊपर के जो थोड़ा लेयर थे वो मैं काट लिया, और काट के मैं वो रख लिया, क्योंकि वो वाला लेयर मैंने नहीं यूज़ करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने स्पॉन्ज को 3 लेयर में कट कर लूँगी, और 3 लेयर में कट करने के बाद मैं इसका जो लेयरिंग होता है वही कर लूँगी। तो मेरा जो स्पॉन्ज थे वो मैंने 3 लेयर में कट चुकी थी, और अब मैंने भर लिया पाइपिंग बैग में वाइट वाला क्रीम, और बस केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा क्रीम दे के उसके ऊपर 1 लेयर रख दिया। तो देख ही सकते हो, तो पहले लेयर रखने के बाद उसको मैं अच्छी तरह से चेरी सिरप से सोक कर लूँगी। और ये जो कफ देख रही हो, मेज़रमेंट कफ, तो इसका कलर भी है ब्लैक, तो इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये कैसा शुगर सिरप है। तो ये कोई शुगर सिरप नहीं है, चेरी सिरप है, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक हमेशा चेरी सिरप से सोक किया जाता है। कोई भी शुगर सिरप या फिर पाइनएप्पल क्रश से साथ पानी दे के अच्छी तरह से मिक्स करके फिर उसके साथ नहीं यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक हमेशा चेरी सिरप से ही सोक किया जाता है। तो इसलिए मैंने चेरी सिरप यूज़ किया हूँ सोक करने के लिए। तो स्पॉन्ज अच्छी तरह से सोक करने के बाद मैंने क्रीम को, आई मीन क्रीम को अप्लाई किया स्पॉन्ज के ऊपर, फिर मैंने स्प्रेड करी हूँ। और पाइपिंग बैग में भर के अगर क्रीम हम लोग दे तो जो क्रीम का जो मात्रा है वो सही रहेगा, ज़्यादा क्रीम नहीं लगेगा हमारा। और जो अब लेयरिंग हम काटेंगे ना केक काटेंगे, तो लेयरिंग हमारा परफेक्ट होगा। तो इसलिए, तो क्रीम देने के बाद, स्प्रेड करने के बाद जो चेरी से हम चेरी सिरप बनाई थी उसी चेरी का थोड़ा टुकड़े थे, उस चेरी का टुकड़ा डाल दिया, और कुछ टूटी फूटी मेरे पास थे रेड कलर की, उस टूटी फूटी डाल दिया। फिर मैंने सेकंड लेयर बिठाया, और सेकंड लेयर बिठाने के बाद मैंने सेम स्टेप फॉलो किया, शुगर सिरप नहीं, सॉरी मैं अभी शुगर सिरप बोल दे रही थी, चेरी सिरप से अच्छी तरह से स्पॉन्ज को सोक कर लूँगी, फिर मैंने क्रीम अप्लाई करूँगी। और क्रीम अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी, आप लोग चाहो तो चॉको चिप्स वगैरह डाल सकते हो, लेकिन आज मेरे पास चॉको चिप्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने चॉकलेट को ग्रेट करके फिर इसके ऊपर डाल दूँगी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो जिस लोगों ने ट्राई नहीं किया हो उस लोगों को मैं बोलूँगी एक बार ट्राई कर लो, तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इस ग्रेट किया हुआ चॉकलेट वाला टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्रीम देने के बाद उसको स्प्रेड कर दिया, और कुछ चॉकलेट को मैंने छोटा छोटा करके ग्रेट करके रखी थी उसी चॉकलेट, ग्रेट किया हुआ चॉकलेट को मैंने डाल दिया। फिर चॉकलेट डालने के बाद केक की जो थर्ड लेयर होगा वही मैंने डाल दूंगी, और थर्ड लेयर मैं हमेशा वही वाला लेयर को डालती हूँ जो केक की सबसे नीचे वाला लेयर रहता है, जो स्पॉन्ज बेक करने के टाइम सबसे नीचे वाला लेयर होता है वही वाला लेयर मैंने डालूंगी, जिसमें बटर पेपर लगा हुआ रहता है, इसमें क्रम्स नहीं रहता है, तो अच्छा खासा फिनिशिंग आता है। और ए वाला लेयर हमारा जो स्मूथनिंग होता है, तो इसलिए फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है, और कम टाइम पे बहुत अच्छा खासा फिनिशिंग आ जाता है। तो देख ही सकते हो, मैं थोड़ा बहुत क्रीम देके, बहुत ही कम क्रीम देके केक की जो क्रम कटिंग होता है वही कर लूँगी, और क्रम कटिंग करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैं हमेशा सब केक को फ्रिज में रखती हूँ। तो अगले एक वीडियो में मैं दिखाई थी कि मैंने स्पॉन्ज को डायरेक्ट क्रम कटिंग करने के बाद केक की जो आइसिंग होता है वही कर लिया हूँ, तो देखती हूँ रिजल्ट कैसा है।
तो उतना कुछ तो फ़र्क नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं क्रम कटिंग करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी तो केक थोड़ा सेट हो जाएगा, इसका जो क्रम्स रहेगा वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रम्स नहीं निकल आएगा, तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। तो देख सकते हो मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखी थी केक को, फिर फ्रिज से निकल के इसका जो आइसिंग होता है तो व्हाइट वाला क्रीम से मैं इसका आइसिंग करूँगी। तो आइसिंग करने के लिए भी मैंने केक को क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया और पाइपिंग बैग को बस छोटा सा कट किया हूँ और केक के ऊपर अप्लाई करते गया। तो इस तरह फिर मैंने एक स्पैचुला लूँगी और स्पैचुला से बस इसको स्प्रेड कर लूँगी। तो पहले बस स्पैचुला से इसको स्प्रेड कर लूँगी, फिर मैंने फिनिशिंग करूँगी। तो ऊपर का थोड़ा स्प्रेड कर लूँगी, फिर मैंने साइड को स्प्रेड करूँगी। तो देख ही सकते हो, और मेरा टर्नटेबल जो है वो घूमने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये वाला टर्नटेबल मेरा 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और मैं सजेस्ट करूँगी कि जिस लोगों ने केक बनाने के लिए कोई भी टूल्स आपको ख़रीदना है तो थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो फिर ख़रीदना, क्योंकि मेरे पास तब नॉलेज नहीं थे और मैं सब कुछ ख़रीद ली थी। तो बाद में जब नॉलेज मेरा थोड़ा बहुत हो चुके है कि इस चीज़ के लिए इस टूल यूज़ करना है, इस टूल अच्छा है, तो तब मेरे कुछ करने का मतलब तब मेरे पास कुछ करने का कुछ नहीं थे, क्योंकि तब मैं सब कुछ ख़रीद ली थी। तो इसलिए मैं बोलूँगी, नहीं तो फालतू फालतू आप लोगों को सेकेंड टाइम्स वो चीज़ लेना ही पड़ेगा और बस पैसा वेस्ट होगा। और एक बात कि ऑनलाइन से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऑफलाइन में देख के चीज़ों को लिया करो, क्योंकि इसमें जो होगा ना वो अच्छा होगा मुझे लगता है। तो मैं मेरा ओपिनियन आप लोगों को शेयर किया, लगभग ये टूल्स वगैरह तो आप लोग ऑफलाइन में ही देख के लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ऑनलाइन में क्या आएगा नहीं आएगा, फिर नहीं तो बाद में लगेगा। क्योंकि मैं बहुत सारे नोज़ल ली थी और बस नोज़ल मेरा बहुत छोटा छोटा आया है और उस नोज़ल से कुछ भी डिज़ाइन नहीं बनता है, बस एक दो डिज़ाइन से अलावा। तो मैं सजेस्ट करूँगी मैं टूल्स वगैरह तो आप ऑफलाइन में देख के लो, फिर आपका मर्जी। तो केक के आइसिंग करने के बाद मैंने लिया हूँ चॉकलेट गनास, तो देख ही सकते हो। तो अगले दिनों का गनास मेरे पास बच गई थी तो उसको मैंने गरम कर लिया और गरम करने के बाद उसको पाइपिंग बैग में भर लिया, और पाइपिंग बैग में भरने के बाद मैं पाइपिंग बैग को बस छोटा सा कट किया हूँ और इधर मैंने केक के ऊपर अप्लाई करते गया। तो बहुत अच्छा दिखता है, और अगर मैं किसी भी चीज़ों से ड्रिपिंग देती हूँ ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और देख ही सकते हो इसका जो ड्रिपिंग का काम थे बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी हुआ है, और अभी भी केक बहुत सुंदर दिख रही है, मेरे तो बहुत अच्छा लगता है। तो सचमुच के मैं जब किसी भी चीज़ से अगर न्यूट्रल जेल से भी ड्रिपिंग देती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पूरे केक के साइड पर ड्रिपिंग देने के बाद मैंने लिया हूँ N1 नोज़ल और पाइपिंग बैग में व्हाइट वाला क्रीम भर लिया और छोटा छोटा करके रोज़ में बनाते गया, लगभग 8 जैसा रोज़ बना लिया। और केक की साइड पे मैंने अब बॉर्डर बना लूँगी, बॉर्डर अगर हम नहीं भी बनाते तभी भी चल जाता, केक बहुत अच्छा दिख रही थी, लेकिन मेरे पास क्रीम भी थोड़ा बच गई थी और भी थोड़ा केक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने केक की साइड पे थोड़ा छोटा छोटा करके स्टार वाला उसी नोज़ल से और उसी क्रीम से मैंने जो साइड वाला बॉर्डर होता है वही बना लूँगी। और जो फ्लावर मैंने ऊपर में बनाया ना तो उसके ऊपर हम चेरी डालते ना तो केक और भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखते। तो बहुत सारे वीडियो में मैं चेरी डाली हूँ, अगर आप लोगों को दिखना है तो जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर बहुत सारे हैं, लेकिन आज मेरे पास और चेरी अवेलेबल नहीं थे, जितने चेरी थे उसी से मैंने सिरप बना लिया। और अभी किसी ने मार्केट जाना भी नहीं चाहते हैं और तो मेरे पास चेरी अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए मुझे इसी से काम चलाना पड़ा। तो ऊपर में थोड़ा चॉकलेट को ग्रेट किया हुआ चॉकलेट मैंने डाल दिया, और आज का ब्लैक फॉरेस्ट केक का डिज़ाइन यही थे। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।